वक्त आ गया फर्ज का कर्ज चुकाने। वो दोबारा मत करना। बहुत ही जल्द हमें बॉलीवुड की तरफ से एक और बड़ी फिल्म देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी पहले कर दी गई, लेकिन इस फिल्म की अनाउंसमेंट 2 से 2.5 साल पहले कर दी गई, लेकिन अब इस फिल्म का आना पक्का हो गया। लेकिन इस फिल्म में हमें पहले अक्षय कुमार देखने को मिलने वाले थे, लेकिन अब हमें टाइगर श्रॉफ देखने को मिलेंगे। टाइगर श्रॉफ ने अक्षय कुमार की काफी बड़ी फिल्म छीन ली। ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की है, तो इस फिल्म में हमें एक्शन तो भरपूर देखने को मिले। वही बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ मेन रोल में देखने को मिलेंगे, और इन्हीं के साथ साथ हमें हीरोइन के रोल में सारा अली खान देखने को मिले। और आगे की कास्टिंग को लेकर के मेकर्स की तरफ से अभी तक के कोई अपडेट देखने को नहीं मिली, और सुनने को मिल रहा है कि इस फिल्म में हमें साउथ और बॉलीवुड के कुछ एक्टर देखने को मिल सकते हैं। और वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक जगन शक्ति के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक के फिल्म को लेकर के कोई बड़ी अपडेट तो नहीं देखने को मिली है। लेकिन सुनने को मिल रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 2024 में स्टार्ट कर दी। बहुत ही जल्दी इस फिल्म का हमें अनाउंसमेंट टीजर देखने को मिल सकता है। और वहीं बात करें फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का बजट काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है। और आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें VFX बहुत ही हाई लेवल के देखने को मिलेंगे, और जैसे कि आप सभी को पता है VFX वाली फिल्म का बजट काफी बड़ा होता है, और इसीलिए इस फिल्म का भी बजट काफी बड़ा होने वाला है। और अब देखना तो ये होगा कि ये फिल्म लोगों को पसंद आती है या नहीं। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये फिल्म हिट होती है या फिर फ्लॉप। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।